अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मुदस्सिर नूरी फिर एक बार हाजिर खिदमत हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, आज के इस वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे बरगुजीदा बंदे की बारगाह की ज़ियारत करेंगे और इनकी करामत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि जिनकी बारगाह में हाजिरी देने से और इनके वसीले से दुआ मांगने से हर मुराद पूरी होती है। और अगर नाज़रीन आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ही किस्मत वाले हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इनकी बारगाह की ज़ियारत करने वाले हैं और इनकी बारगाह में अल्लाह से सबके लिए दुआ करेंगे, हर परेशानी, बीमारी, रोज़ी रोटी के लिए और हर मुराद के लिए। तो आप इस वीडियो को देखते हुए अपने दिल में जो मुराद हो उसे मांग लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। बस शर्त यह है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करके आगे शेयर ज़रूर करें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, हम जिस वली अल्लाह की बारगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, इनका पूरा नाम हज़रत पीर बगदादी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह है। और नाज़रीन, इनका आस्ताना मुबारक महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। ये दरगाह शरीफ जहां मौजूद है वहीं सामने एक मंदिर भी है, लेकिन नाज़रीन ये जगह हिंदू मुस्लिम के भाईचारे और अमन व मोहब्बत की एक मिसाल है। और नाज़रीन, कहा जाता है कि लोगों ने देखा है कि जब पूरी मुंबई में हिंदू मुसलमान के नाम पर फसादात हुए थे उस वक्त इस बारगाह के सामने कुछ नहीं हुआ था। मतलब ये कि यहाँ एक तरफ मंदिर है तो वहीं दूसरी तरफ मस्जिद भी है और दरगाह भी है, लेकिन अल्लाह के फजल और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदके यहाँ कोई फसाद नहीं हुआ, सुबहानअल्लाह। और नाज़रीन, हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह एक ऐसी बारगाह है जहाँ परेशान हाल को परेशानी से निजात मिलती है, बीमारों को शिफा मिलती है, और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको यहाँ पर इनके सदके रिज़्क़ हलाल मिलता है। अक्सर लोग अपने कारोबार या जॉब पर जाने से पहले इनकी बारगाह में हाजिरी देते हैं और फैज़याब होते हैं। तो नाज़रीन, आइए इस वीडियो के ज़रिए हम भी अल्लाह के बारगाह में और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वसीले से दुआ मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फ़रमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला वो आजिला अता फ़रमाए, और जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं उन्हें कर्ज से निजात अता फ़रमाए, और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर अता फ़रमाए, और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद नसीब अता फ़रमाए, और जिन लोगों को रिश्ते नहीं आ रहे हैं उन्हें नेक सालेह रिश्ता अता फ़रमाए, और जिन लोगों ने, जिन सब्सक्राइबर, जिन व्यूवर्स ने मुझे दुआ के लिए कहा उन सब की तमाम मुराद और आरजुओं को पूरी अता फरमाए, सबके दिली जायज़ तमन्ना को पूरी फरमाए। या अल्लाह अज़्ज़वजल, जो लोग इस वीडियो के ज़रिए इस दुआ में शामिल है, हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदके इन सब की तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा और इनकी दिली जायज़ तमन्ना मुरादों को पूरी अता फरमा। नाज़रीन, इस वीडियो के नीचे कमेंट में एक बार आमीन ज़रूर लिख दें, क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हो जाए। और नाज़रीन, हज़रत पीर बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो आस्ताना है ये महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके दादर कबूतर खाने में मौजूद है। अगर आप इस दरगाह पर विजिट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मैंने यहाँ के एड्रेस का लिंक पिन कर दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।